हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रमन। मेरे चैनल में कहाँ घुस रहे हो? अच्छा, हमारा चैनल। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में अब स्टार्ट हो गई है सर्दियाँ और न्यूजीलैंड में हो गई है समर स्टार्ट। यस, फाइनली न्यूजीलैंड में आ चुकी हैं समर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को घुमाया फिराया जाए। 2020 वैसे इतना ज़्यादा टेंशन वाला साल गया है, थोड़ा सा लाइट करे एंड में। और न्यूजीलैंड में कोई कम्युनिटी केस नहीं है अभी, सो हमें अलाउड है बाहर जाना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हम लोग मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ गार्डन चलते हैं, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है समर्स की शुरुआत करने में। सो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के रोज़ गार्डन में। और अगर आप ऑकलैंड में हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए, ये बेस्ट टाइम है अभी पारनेल के रोज़ गार्डन घूमने का। तो चलो साथ घूमते रोज़ गार्डन आज। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कम्युनिटी केस नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी कोई रूल नहीं है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, अगर आप बस वगैरह में ट्रैवल करते हो तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कहीं घूमने जाते हो और अपने व्हीकल में जा रहे हो तो आपको पब्लिक प्लेसेस पे मास्क कंपलसरी नहीं है। सो आई नो बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाला गया है 2020, बहुत स्ट्रेसफुल पूरी दुनिया के लिए ही था। सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एंड है साल का, तो लाइट मोड पे ख़त्म करें साल। और हम जैसे ही पार्क पहुँचे, व्यू बहुत सुंदर था, जैसे बाहर से ही पूरा रोज़ ही रोज़ दिख रहे थे और पूरा खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी वहाँ पे जैसे ही हम पार्क में पहुँचे। अगर आप ऑकलैंड में हैं तो आई वुड से प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करके आएँ। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही फोटोजेनिक जगह है, आप बहुत इन्जॉय करोगे। लास्ट ईयर मेरी मॉम आई थी, मैं उन्हें भी लेकर गई थी एंड ट्रस्ट मी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और ये पारनेल में है, अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए तो मैं पार्क का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये पार्क बहुत ही सुंदर है और सबसे बड़ी बात है कि एंट्री फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं है। रोज़ देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आई डोंट नो वीडियो में कलर कैसा आ रहा है पर एकदम ब्राइट रेड कलर है और अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। और मैं अगर आपको यहाँ लेकर चलूँ तो हमारे पास एक पिंक कलर का भी है, इसकी शेड्स देखो, वाओ एकदम अलग। भाई मैं काटा मत चुप जाइए, एकदम अलग, अमेजिंग, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये पार्क ऑनेस्टली बहुत पॉपुलर है, अगर इस टाइम पे इस पीरियड में दिसंबर से फेब के बीच में किसी की शादी होती है तो यहाँ पे फोटोशूट बहुत चलती है। आज है नहीं पर अदरवाइज अगर दिन के टाइम पे आओ तो यहाँ पे कोई ना कोई दूल्हा दुल्हन दिख ही जाएंगे और बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आती है। अगर आप फोटो के शौकीन हैं मेरी तरह तो ये पार्क ना मस्ट डू में डाल दो लिस्ट में अपने, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफ्स आती है, ट्रस्ट मी। इन्होंने हर पौधे को एक नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला आप चेक करें, इसका नाम है रॉक एंड रोल। टिंग 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 टिंग। सो हर प्लांट का एक अपना नाम है और ऐसे हर उन्होंने हर उसको दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का नाम है, हर प्लांट का एक नाम है यहाँ पे। सो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इनके खुद के भी अपने नाम है, ऐसा नहीं है कि पिंक वाला रोज़, रेड वाला रोज़, नहीं, ये है रॉक एंड रोल। सो मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी पीछे से एक बच्ची हमारे साथ खेलने आ रही थी, पर उसके डैड उसे ले गए थे बिकॉज यहाँ पे उन्होंने देख लिया था कि वीडियो बना रहे हैं और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और हमारी उससे दोस्ती भी हो गई, बहुत ही क्यूट बच्ची थी। और हम जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा ही, मैं वैसे ही आपको बोल रही थी कि यहाँ पे आज कोई दूल्हा दुल्हन नहीं, दूल्हा दुल्हन दिख गए वहाँ पे उनकी फ़ोटोशूट चल रही थी। और बहुत ही एक्चुअली पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है, सो जहाँ हम खड़े थे वो वहाँ पे नहीं थे, वो थोड़ा सा आगे जाके थे।
और एक गेट सा बना हुआ है, उन्होंने आर्क सा बनाया हुआ है और उस पर भी बहुत सारे फूल वगैरह थे। बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। एक फैमिली का और भी फंक्शन चल रहा था, कुछ शायद उनकी भी शादी थी या कुछ था, तो हम लोगों ने वहाँ गए नहीं, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। पर उसको देख के रमन को शायरी याद आ गई। जे तुसी फुल ते सोवो ओ तुहाडी पहली रात होंदी है, जे फुल तुहाडे ते सोण ओ तुहाडी आखरी रात होंदी है। रब राखा। सो दूर दूर तक जहाँ भी देखोगे आपको सिर्फ रोज दिखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिलेंगे, डिफरेंट साइज के मिलेंगे, ऑरेंज, पिंक, वाइट, मैजेंटा कलर के, हर कलर का मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग और पूरा रोज से महक रहा है। आप एंटर करते ही ना यहाँ पे दूर से भी जल रहे होते हो तो भी इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी थोड़ा थोड़ा और अभी ब्लूम करेगा, अभी आई थिंक जनवरी तक तो रहेगा, जनवरी फेब तक। मेरी मॉम भी आई थी फेब में लास्ट ईयर, तो मैं उनको भी लेकर आई थी, तब तक भी था, फेब तक भी था, तो आई थिंक तब तक बहुत अच्छा टाइम है। समर्स फाइनली हिट कर गया है न्यूजीलैंड, तो वाई नॉट घूमे आज। रोज़ है सो डिफरेंट, इसका कलर बहुत डिफरेंट है, इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ इसे, अमेजिंग ऑनेस्टली, बहुत बी केयरफुल यहाँ पे है, इसमें काटे हैं, तो बहुत ही सुंदर है यार ये वाला, बहुत ही अमेजिंग है, वाओ। और इसका टच वेलवेटी है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत वेलवेटी सा है, वेरी नाइस। कुछ रोज़ तो ऐसे थे कि छूने में भी इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे थे, और उनके पैटर्न बहुत अलग अलग बने हुए थे और डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, आँखों को एक अलग ही ठंडक दे रहा था। ट्रस्ट मी, मैं वहाँ से ना हिलने का भी नहीं मन कर रहा था मेरा, कि मैं एक पौधे से दूसरे पौधे में भी, मैं एक जगह जहाँ थी वहाँ पे 5-10-15 मिनट अटक ही गई थी, और इतनी फ़ोटो खींची है मैंने क्या बताऊँ। मैं मुझे वैसे ही बहुत शौक है, और यहाँ तो मैं सिर्फ फूलों की फ़ोटो खींच रही थी, अपनी भी छोड़ो, मैं हर एक फूल को कभी जूम कर रही थी, कभी उसको इस एंगल से फ़ोटो ले रही थी। बहुत ही अच्छा था उस टाइम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा ऑनेस्टली मन नहीं था वहाँ से वापस आने। सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आई विल बी ऑनेस्ट, यहाँ आने के बाद घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हमने बहुत सारी फोटोग्राफ भी की, बहुत सारी वीडियो भी बनाई, और स्टिल मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहो और इन्हें देखते रहो। खुशबू इतनी ज़्यादा है हवा में इस टाइम पे, अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो जो ऑकलैंड है, मैं कहूँगी ज़रूर एक बार आके देखो, अगर किसी ने विज़िट नहीं किया है तो। मैं तो साल में एक बार आ ही जाती हूँ तो आप भी आइए, विज़िट करिए, और होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हो गई हमारा रोज़ गार्डन की ट्रिप, अब हम जाएंगे आइसक्रीम खाने वहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं। सो न्यूजीलैंड में आ चुकी है समर्स, तो आइसक्रीम खाना तो डेफिनेटली बनता है, पर मेरा तो अभी भी टू बी ऑनेस्ट रोज़ गार्डन से मन नहीं भर रहा था। हम ये एग्ज़िट ले रहे थे, मैं एग्ज़िट के टाइम भी वीडियो बना रही थी, और रोड से भी रोज़ेस सारे दिख रहे थे, और मेरी विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी तो खुशबू तो भी आ रही थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा रोज़ गार्डन का। बट जब हम आइसक्रीम खाने गए वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे भी पूरा उन्होंने सेटअप ऐसे किया हुआ था, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं तो ट्रस्ट मी, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा फोटोजेनिक जगह वो भी थी अपने आप में ही। बहुत सुंदर छोटा सा सिर्फ आइसक्रीम पार्लर था वो, पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे पौधे वगैरह लगे हुए थे और उन्होंने प्रॉप्स वगैरह काफ़ी लगाए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।